वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज है शुक्रवार 8-9 मई। अब बज रहे सुबह की पूरा 11। ठीक है, मेरा नहाना धोना कंप्लीट। लड़का इसका क्रिश का स्कूल से होमवर्क आया था, उसने वो कर लिया, मैम को भेज भी दिया। अब लग गई भूख। हाय बोलो। हाय। तो अब इनके लिए नाश्ता बनाना है, तो चलो क्या नाश्ता बनाना है देखते हैं। क्या खाएगा बाबू? अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड कल जैसा? हाँ। तो ठीक है, इसके लिए अंडा ब्रेड बना लेते हैं। देखो नाश्ता बना रहा है खुद, टोमेटो काट के दे रहा है मुझे। काटो, अंडा ना गिरा देना। कैसे काटोगे? काट लूंगा पीसेस छोटे छोटे हल्की तरह। देख कैसे होता है, मैंने ऐसे डाला था। हाथ संभाल के, हाथ बसा के। नाश्ते के लिए टमाटो काट के दे रहा है मुझे, देखते कितना कहाँ तक कटता है, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। ऑमलेट के लिए टमाटो काट के गया है, ऐसे डालूंगी। अब मैं काट के डाल देती हूँ। थोड़ा काटो ना बाबा, टोमेटो ज्यादा तो नहीं देना ना, आधा सारा नहीं खा पाओगे बाबा, फिर छाट कर। अच्छा, बहुत ज्यादा डाल दूँ? टोमेटो इतना पसंद है आपको? पहले तो निकाल के फेंक देते, पिज्जा बना देते उसमें से निकाल के फेंक देता है, ऐसा करे बहुत सारा डाल दो। चलो डाल देते। तो क्रिश को नाश्ता बना दिया, अंडा भी बॉयल कर लिया मैंने, तो आज बनाऊंगी अंडा करी। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लो। तो अब इसको सील लेते हैं। अरे क्या आ रहा है, कीड़ा मकड़ा चढ़ा है ऊपर, है गुदगुदी मकड़ा है। तो अंडा करी आप लोग कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, पर मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आज। नॉन वेज बिना तो हमारे घर में गुजारा नहीं है, तो देखते हैं आज शायद नॉन वेज लेके आए। उन्होंने फ़ोन करा था, जो हमारे यहाँ पे बंगाली मार्केट है, उन लोगों ने फ़ोन करा था जो भैया आ जाओ लेके जाओ। तो देखो क्या होता है, मिलता है तो ले आएंगे, नहीं मिलता है तो नहीं ला पाएंगे। ये देखो ये अंडा का छिलका है ना, इसको तोड़ लिया, इसी से इसको काट लगा दूंगी अच्छे से, ताकि इसका जो तरी वरी नमक मसाला सब अंदर तक अच्छे से घुस जाए। तो काट लिया, सील लिया, तो चलो अब बनाते। चलो तो तेल गरम हो गया, थोड़ा सा अंडा फ्राई कर लेती हूँ हल्दी डाल के। हल्का करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा करूँगी तो ऊपर का स्किन थोड़ा टाइट हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हल्का ब्राउन इसलिए करते हैं हल्दी डाल के, ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। कोई कोई होता है बिना फ्राई करके डालते, वो थोड़ा वाइट वाइट दिखता है, और मुझे थोड़ा सा ऐसे ब्राउन ब्राउन सा अच्छा लगता है। अदरक लहसुन पेस्ट भी ख़त्म हो रहा है, वो डाल दूंगी। जीरा तेज़पत्ता ये सब डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म। जब बनाऊंगी ना मैं कैसे रखती हूँ फिर वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एक चम्मच प्याज पेस्ट करके रखा था मैंने, मैंने आज कोई भी काटा हुआ मसाला नहीं डाला, सब पेस्ट करके डाला इसके अंदर। प्याज का भी पेस्ट बना लिया था, हरी मिर्च डाल के, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक सब कुछ ऐड करके, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो ऐसे नॉर्मली हम बनाते खाना, वैसे ही बना रही हूँ मैं। इसमें बिना टमाटर और टमाटर हरा धनिया कुछ नहीं डालूँगी,
ऐसे ही सिंपल बनाऊंगी। तो चलो इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा मसाला है पिसा हुआ, इसमें टाइम नहीं लगेगा भूनने में, तो इसमें कर दूंगी अब अंडा ऐड। अंडा ऐड करके थोड़ा सा हिला के मिक्स करके, क्रिश खा के गया है एक अंडा अंदर का, वो पीला वाला नहीं खाता, वो डाल दिया इसके अंदर। मैंने सब्ज़ी में डाल दिया ताकि ग्रेवी थोड़ी सी टेस्टी बन जाए। तो चलो डाल दिया पानी। तो बन चुका है मेरा अंडा करी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ, 1/4 चम्मच डाल दिया, बस हो गया। आपको जितना ग्रेवी खाना है, हम तो चावल के साथ खाएंगे ना, तो इतना तो रखना हमारे लिए ज़रूरी है। जो जितना पसंद करते हो अपने पसंद से रखना। तो हो गया मेरा अंडा करी रेडी। खाना वाना बना लिया बदरे से दोपहर की। एक हस्बैंड मेरे, मतलब यहाँ पे मेरे पास में ही बंगाली मार्केट है, वहाँ पे ना ये मछली वगैरह मिलता है, तो काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा था, बैंड लगा हुआ था। तो आज वो लोग ना ये लेके आए, तो इनको फ़ोन कर दिया जी भैया मछली लेना है तो आ जाओ, आ गए। तो ये झींगा मछली, मछली उछली लेके सब साफ सुथरा करके रख दिया मैंने, डीप फ्रीज कर दिया। जिनको फ्राई करना है उनको फ्राई करके रख दूँगी। ये शाम की 5 बज रहे उस टाइम, बच्चे के लिए कुछ 2 मैगी ले आए, कुछ खान मतलब चीज़ ले आए, तो पहले तो इनको सैनिटाइज करना ज़रूरी है ना। देखो क्या दिन आ गए हम लोगों के लिए, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। पहले ऐसे कोई करते थे, कोई नहीं करता था, खीदा लाए डायरेक्ट फाड़ लिया खा लिया। अब पहले बच्चे भी कहते हैं मम्मी धो दो, मम्मी धो दो, उनको भी डर लगता है। तो चलो इसको धो लेते। ये चीज़ वगैरह तो मैं धो के टैप में ही लटका दूँगी, और मैगी अभी बना कर दूँगी, बच्चों की मतलब भूख लग गई बच्चों को। ये लो टैप में लटका दिया ताकि उसका पानी झर जाए अच्छे से। तो चलो मैगी बनाती हूँ। ये जो मछली है मैंने दोपहर को काट के साफ़ सुथरा करके रख दिया था धो के, अब इसमें नमक हल्दी लगा के फ्राई करके रख दूँगी। मैं ना मछली ऐसे कच्चा नहीं रखती है वाले, फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसको नमक हल्दी लगा के अच्छे से तेल में फ्राई करके, जब ठंडा हो जाएगा किसी एयर कंटेनर बॉक्स में भर के रख दूँगी, जब मन करेगा निकाल के इसको बनाएंगे। जब मैं बनाऊँगी वो तो आप लोगों से शेयर करूँगी कैसे क्या कर रही हूँ क्या बना रही हूँ। सिलेंडर के पास जा खोल के देख ले। बेटा आया मेरा, सीजी दे दो मम्मी, सीजी का रखा है, मैगी बना के दिया खाया नहीं। उसका मन है पहले चीज खा लूँ बाद में मैगी खाऊँगा। अब बना हुआ मैगी ठंडा हो जाए तो टेस्ट भी बेकार हो जाता है, खा नहीं पाता, फिर बेकार है, फेंकना पड़ेगा। तो अभी पूछ रहे हैं मम्मी चीज का रखा है, चीज़ दे दो। चला गया चीज लेने। तो मैंने नमक हल्दी अच्छे से मिक्स कर दिया, हाथ नहीं लगाया, हिला हिला के। तो अब कढ़ाई में तेल डाल दिया खूब सारा, सरसों की तेल खूब गर्म हो गया, देखा तेल में से धुआं निकल रहा है। जब कढ़ाई खूब सारा गर्म हो जाए तभी देना, जिनको पता है वो तो देते हैं, और जिनको नहीं पता वो जो अगर ठंडा कढ़ाई में दोगे ना सारा चिपक जाएगा, हलवा बन जाएगा उसके अंदर भुड़ता। और खूब गर्म करके डालोगे ना जैसे कि वैसे साबुत साबुत निकलेगा, बिल्कुल निकलेगी, मछली निकलता नहीं है निकालती है। तो एक एक करके इसे सारा फ्राई कर लेते हैं। इसको उलट पलट के एक एक साइड करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो चलो एक एक करके इसे सारे कर लेते हैं। ये है कल रात की वीडियो, मैं सीताफल की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो आप लोग कैसे बनाते हो बताना। मेरे पास 1/2 किलो के करीब सीताफल रखे थे ना, वो काट लिया मैंने और सोच रही हूँ बना लूँ। मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरा बेटा नहीं खाता, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो तेल गर्म हो गया, मेथी दाना डाल दिया, हरी मिर्च काट के रखा है, थोड़ा सा अदरक घिया कश कर रखा है, इसको भी डाल दूँगी इसके अंदर, थोड़ा सा हींग डाल दूँगी।
मुझे भी नहीं आता था पहले बनाना, मुझे भी किसी ने सिखाया बनाना ऐसे ऐसे बनाते, पर उसी प्रोसेस से बनाती हूँ, बहुत मस्त लगता है खाने में। तो देखो कैसे बनाती हूँ मैं, आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया सब, और इसको ढक ढक के ऐसे से पकाएंगे। मेरा सीताफल पक रहा था तो मैं सोच रही आटा गूंद लूँ, मैं नमक वाला आटा गूंदती हूँ, कोई कोई बिना नमक का गूंदते, मेरे घर में नमक वाला आटा पसंद करते, मतलब नमक वाले आटे का रोटी। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, एक साइड में खाना बनता है एक साइड में आटा गूंदो, या तो बर्तन पड़ा है थोड़ा सा बर्तन धो लो, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं, हम लोगों का काम ही क्या है, यही काम है, ताकि थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाए, थोड़ी देर फ्री बैठे, फिर भी फ्री का घर का काम तो ख़त्म ही नहीं होता भैया, घर का काम कितना भी करो उतना ही काम हम लोग लेडीज़ के लिए, फिर भी हमारा डेली रूटीन काम करना ही पड़ता है। अरे इसमें करने में हमें कोई शिकायत नहीं है ना भैया, तो करना है, हैबिट है हम लोगों की, ये चीज़ आदत सी बन गई है, जब टाइम हो जाता है खाना बनाने का तो अपना आप किचन चले आते, किचन में से लोग खाना बनाते, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड खा को खाना है और हमको तो खाना ही, और जब बनाएंगे तो खा ही तो लेंगे। चलो आटा गूंद गया, सब्जी भी पक चुका है मेरा, ढक्कन उतार उतार के कई बार अच्छे से इसको हिलाया, इसमें लास्ट में ना थोड़ी सी आमचूर और हल्का सा चीनी की दाना, जैसे खट्टा मीठा बनाना है ना दो चार चीनी की दाना, अगर सीताफल मीठा है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, पर ये मीठा नहीं है, दो चार चीनी की दाने और थोड़ी सी आमचूर डाल के अच्छे से इसको पकाओ। देखो सब्जी का क्या हाल है, सब्जी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें आमचूर डालने की बारी। कमेंट में ज़रूर बताना मेरे वीडियो कैसे लगा, मैं डेली जो थोड़ा थोड़ा करती हूँ ना आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखो ज़्यादा पड़ गया आमचूर, इतना नहीं चाहिए फिर खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, चुटकी भर डाल दिया थोड़ा सा है ना, अभी ना लेके आई हूँ पैकेट बाहर से, इसलिए डब्बे में डाला नहीं, अभी डालूंगी आमचूर के पैकेट, आमचूर बिल्कुल ख़त्म हो रहा था घर में। तो बन गया मेरा सीताफल की सब्जी, तो इसके लिए इतना ही, और वीडियो आगे नहीं बढ़ाऊंगी, इसके लिए इतना ही, टाटा बाय, सब अपना अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना।